आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर हमारा एक्सपर्ट की क्या राय है। लेकिन आगे कृषि फसल का वायदा बाजार के बारे में जानने से पहले जानेंगे उस ऐप के बारे में जिससे आप घर बैठे बैठे बिना एक रुपया खर्च करे अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं और अपने कारोबार जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसकी भी ग्राहकी बढ़ा सकते हैं, वो भी मुफ्त में बिना किसी खर्च के। जी हाँ, सही सुना है आपने, आ गई है एक ऐसी ऐप जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं और नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च करे। बिग ब्लिस ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस, MYMYBIGBLISS बिग ब्लिस, माई बिग ब्लिस ऐप का नाम माई बिग ब्लिस है, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस पर बस आपको करना एक छोटा सा ये काम होगा कि इस पर आपको अपना स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के बाद इस पर अपने प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, और उनका दाम तय करना है। आपको ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आपको इसकी चिंता नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिग ब्लिस आपको ऑर्डर्स ला के देगा, फ्री डिलीवरी भी देगा और कोई चार्ज भी नहीं लेगा। और इस ऐप से अगर कोई जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एडमिशन की फीस निकालना चाहते हैं तो वो भी साइड बाय साइड कुछ बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा, जो गृहणियाँ हैं वो भी घर गृहस्थी के काम के साथ साथ इसमें नया अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़े या फिर आपको कोई चार्ज देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करनी है, स्टोर बनाना है और सामान बेचना है, कहीं नहीं जाना। और अगर लॉकडाउन भी लग जाता है तब भी आप इसमें ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। माई बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं बाजारों की चाल में आज के कृषि फसल बाजार के अपडेट की कि शाम के कार्रवाई सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का दिसंबर वायदा 6408 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन है, 6472 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का वायदा बाजार अब धीरे धीरे सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले अब कुछ ना कुछ फिसलता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड की कीमतों में आज भी जो एक सीमित दायरे वाला जो रुझान है, जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, वो आज भी हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी देखने को मिल रही है। तो कैसर में अभी हम देख रहे हैं कि 6400 के लेवल्स पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। तो अब आगे क्या कैस्टर तेजी दिखलाएगा या मंदी रहेगी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। अमित जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड काफी लंबे समय से रेंज बाउंड में देखने को मिल रहा है, 6500 के ऊपर जाता है लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। जैसे ही 6500 के ऊपर जाता है फिर धड़ाम से 6400 पर आ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कैस्टर में यही रुझान आगे भी देखने को मिलता रहेगा या फिर यहां से एक ब्रेकआउट लेवल भी बनता नजर आ सकता है? जी देखिए, मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म बेसिस तो मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है। तो इसमें, इस मार्केट में ट्रेड करने का यही एक तरीका है कि जब भी निचले स्तरों के करीब मिले तो वहां से ले लें, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि 6800 के करीब अगर मिलता है तो वहां प्रॉफिट बुक किया जाए। और या इसमें दो एक चीज कर सकते हैं कि आप डबल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, समझ लीजिए एक के बदले दो लॉट कर दिए, तो एक आपने पोजिशनल रख दिया टारगेट के लिए और एक जो है ट्रेडिंग के लिए रख दिया। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि 7000 के ऊपर के स्तर हमें देखने मिलेंगे। तो फिलहाल मैं अभी भी बायोइंडेक्स की ही रिकमेंडेशन दूंगा और 6200 का जो एक सपोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह उभर सकता है। जी अमित जी, कैसे सीड की तरह बिनौला खल में भी हम देख रहे हैं कि 2800 के लेवल टच होते हुए नजर आए थे और अभी देख रहे हैं कि 2800 से अब कुछ थोड़ा नीचे है, 2 पॉइंट नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या 2800 का लेवल इस वर्किंग वीक में अचीव होता हुआ नजर आ पाएगा? जी देखिए, जहां तक जनवरी वायदा का सवाल है तो 2800 के ऊपर फिलहाल ट्रेड हो रहा है और जो दिसंबर वायदा है वो अभी एक या दो सेशंस में
जो है डिलीवरी मोड में जाएगा। तो मैं जनवरी बाद अगर देखूं तो ऑलरेडी 2800 के ऊपर है। इसके चलते मुझे लगता है कि आज से 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर हम हो सकता है 3050 से 3100 तक के भी लेवल देख पाए। तो जब भी इसने 2600 के स्तर ब्रीच किए थे अपसाइड में तो एक मोमेंटम पकड़ लिया था और मुझे लगता है कि तेजी की शुरुआत हो चुकी है और इवेंचुअली हम करंट लेवल से करीबन 6 से 8 फीसदी की और तेजी देख पाएंगे जी। तो यानी कि बिनौला खल में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ये समय जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने दही की कीमतों को 9100 से सीधा 8300 8400 तक जाते हुए भी देखा है। अब देख रहे हैं कि अचानक से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से दही की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 8700 से 8800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये दही में जो उछाल आया है आगे और भी जारी रह सकता है? जी मुझे लगता है कि धनिया में जो करंट तेजी है ये काफी समय से हमारी बात हो रही थी, वही उसका ही रिफ्लेक्शन है जी। हमने 9000 के स्तर ऑलमोस्ट टेस्ट होते हुए देखे हैं धनिया में और अभी आज के सेशन में हल्की से मुनाफा वसूली है, लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर कंसोलिडेटिंग ये दोबारा जो तेजी है मार्केट पकड़ सकता है। तो मैं तेजी की उम्मीद रखूंगा, इमीडिएट तौर पे 8620 के करीब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि हम दोबारा 9000 के काफी करीब जा सकते हैं। तो बायोडिप की रणनीति अडॉप्ट करनी चाहिए धनिया में जी। ये समय जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में भी हम देख रहे हैं कि 16000 के नीचे लुढ़क गया था, 15400 15500 तक के भी लेवल्स देखने को मिले थे, अब 16000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जीरे के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जीरे को 17000 तक भी लेके जाएं? जी मुझे लगता है कि जीरे में फिलहाल एक कंसोलिडेशन का दौर चल सकता है, जिस तरह हम कैस्टर में देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसी तरह से जीरे में भी अगर हम जनवरी वायदा देखें तो 16300 के करीब है। मुझे लगता है कुछ समय तक 15800 से लेकर 16600 की रेंज होगी, लेकिन हाँ अगर हम 3 से 4 हफ्ते की बात करें यानी लंबी अवधि की, तो मुझे लगता है कि 17000 के ऊपर प्राइसेस जा सकते हैं जी। तो यानी कि छोटी अवधि में तो 16500 16600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जीरे में अमित जी के मुताबिक, लेकिन लंबी अवधि में यानी कि 3 से 4 हफ्तों के दौरान अमित जी के मुताबिक जीरे के अंदर 17000 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये समित जी देख रहे हैं कि हल्दी भी आज लगभग 8000 के करीब ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या बारिश का इतना इंपैक्ट आ चुका है कि जिससे हल्दी की कीमतों को इतना सपोर्ट मिलता नजर आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोइंग ठीक ठाक बताई जा रही है और कैरी ओवर स्टॉक भी ठीक ही है? जी देखिए मुझे लगता है कि हल्दी में हालांकि तेजी तो पकड़ी है और इसमें भी हम तेजी की उम्मीद कर रहे थे कुछ समय से, और ऐसा लगता है कि फिलहाल फंडामेंटल को देखते हुए लिमिटेड अपसाइड होगा, लेकिन अपसाइड डेफिनेटली देखने मिल सकता है क्योंकि काफी कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा है कि बाजार ऊपर की तरफ निकला है, तो एक मोमेंटम ड्रिवन ट्रेड एटलीस्ट हो सकता है जहां पर जो छोटी अवधि के निवेशक है वो आके बाइंग करें और प्राइसेस को हो सकता है कि एटलीस्ट पिछले हाई यानी 9400 से 9450 के करीब लेके जाने में कामयाब हो सकते हैं, हालांकि उसके बाद हो सकता है हमें दोबारा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिल सकता है जी। ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आपने पहले ही बता दिया था कि निचले स्तर से कुछ समय के लिए खरीदारी निकल के सामने आ सकती है ग्वार के में ग्वार सीड के अंदर, ठीक वही ट्रेंड हमने आज भी फॉलो होते हुए देखा है। कल को इनफैक्ट जैसा आपने बताया था 6 फीसदी को ऊपरी सर्किट ग्वार गम में और 4 फीसदी से ज़्यादा का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड में लगता नजर आया था। अब यहां से क्या सलाह रहेगी आपकी ग्वार में, क्या आगे अभी और तेजी बनेगी या फिर यहां से और कीमतें नीचे की ओर जाएंगी? जी देखिए ग्वार कम और ग्वार शीट में जो दोनों के टारगेट्स है कहीं ना कहीं 5600 और 9800 वो दोनों ने डन किए और वहां से एक रिबाउंड की जो आशंका थी वो हमें देखने मिल रही है जी। तो वो वही चीज हम पिछले 3 सेशन से देख रहे हैं ग्वार कम ग्वार शीट में। मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये और जारी रहेगा, हम आने वाले हो सकते हैं एक हफ्ते में करीबन 6150 से 6200 के भी लक्ष्य देख पाए ग्वार सीड में। उसी प्रकार ग्वार गम में जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो एक्सटेंड होकर लगभग 11100 तक प्राइसेस को लेके जाए, तो मैं फिलहाल दोनों में ही तेजी करना पसंद करूंगा। हालांकि इमीडिएट तौर पे इतना बता सकता हूँ कि अपसाइड होगा, शायद लिमिटेड हो सकता है, बहुत लंबी तेजी नहीं हो, लेकिन 3 से 4 फीसदी की अपसाइड हो सकती है जी। ये समय जी बात करें अगर सोयाबीन की,
तो सोयाबीन में भी देख रहे हैं हमने, सोयाबीन में एक बार फिर से टर्न लिया है और 6700 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, 1% से ज्यादा की तेजी है। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अभी जो तेजी वाला रुझान है जारी रहेगा? क्या सोयाबीन 6600-6700 के ऊपर अभी हाल फिलहाल में ट्रेड करती हुई नजर आएगी और आगे क्या कीमतें रहेंगी? जी देखिए, एक न्यू रिसेंट हाई तो हमने 6900 के आसपास बनते हुए देखा है, बहुत ही बढ़िया रिकवरी से देखी गई है। मुझे लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी जब तक एटलीस्ट 6400 से 6350 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रही है। तो अपसाइड में जो एक टारगेट है वो हमें हो सकता है कि 7050 तक एक न्यू रिसेंट हाई देखने मिल जाए, तो उसके चलते मैं अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। दो दिन में हमें इक्वाली देखने मिली है, इस इक्वाली का फायदा उठाया जा सकता है। करंट लेवल से करीबन 200 रुपए के स्टॉक के साथ में 400 रुपए का टारगेट लेके चला जा सकता है। जी, ये समय जब बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो सीपीओ और रिफाइंड सोया ऑयल में आपकी क्या सलाह रहेगी? इन दोनों एडिबल ऑयल में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी? जी देखिए, दोनों ही काउंटर्स में मुझे लगता है सीपीओ थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेगा या उसमें ज्यादा उछाल देखने मिलेगा। 1080 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पोजिशनली और मुझे लगता है ग्रेजुअल बेसिस पे 1150 से 1155 के स्तर देखने मिलेंगे। इमीडिएट तौर पे 1135 का टारगेट लेके चला जा सकता है, तो मैं आज के लो का स्टॉप लॉस लेके बैंक की सलाह देना चाहूंगा 1135 के लक्ष्य। जी अमित जी, अगर बात करें कॉटन की, तो कॉटन में हमने पहले देखा था कि जो पिंक बॉलवॉर्म आर्मी नामक कीट है उसकी वजह से कॉटन की क्रॉप डैमेज हुई थी काफ़ी बड़े पैमाने पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अराइवल्स हुई, अराइवल्स में भी अब बारिश होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, ऐसे में कॉटन की कीमतें आगे तेजी की ओर रहेंगी या नरमी की तरफ? जी देखिए, मुझे लगता है कि इन स्तरों से कॉटन को सपोर्ट मिलेगा और अपसाइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि 32,200 तक के लक्ष्य में देखने मिलेंगे। हमने निचले स्तरों से काफी एक शानदार रिकवरी देखने मिली है, 30,500 से या 30,450 के करीब से लगभग 1,000 रुपए की तेजी आई है। एक या दो दिन का और कंसल्टेशन देखने मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, 31,200 तक हमें दाम मिल सकते हैं, लेकिन जो निवेशक है वहां पर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं 32,200 के इमीडिएट लक्ष्य के लिए, और अगर वो भी निकल जाता है तो ये पॉसिबल है कि हम लगभग 32,800 तक भी रैली का एक्सटेंड होता हुआ देखें, तो मैं तेजी की तरफ रहना पसंद करूँ। जी ये समय जी देख रहे हैं कि मैंथा में भी कुछ रिकवरी बनती नजर आई है लोअर लेवल से, आपको क्या लगता है, क्या मैंथा में ये जो बाइंग है ये अभी और जारी रह सकती है? जी मेरे हिसाब से करंट लेवल से लगभग 1.5 से 2% की तेजी है, हालांकि बहुत लंबी तेजी में नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। अमित जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आता है, वो ये जानना चाहते हैं कि बिनौला खल में अगर निवेश करके चलना है, खरीदारी में रहना है, तो किन लेवल्स पर बाई करने की सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि वो चाहते हैं कि निचले स्तर पर खरीदारी हो और ऊपरी स्तर से मुनाफा कमाए। जी मुझे लगता है कि जब तक बिनौला खल में 2700 से 2600 के स्तर होल्ड कर रही है प्राइजेस, तब तक कोई भी डिप मिले उस पर बाइंग कर सकते हैं, चाहे वो 2750 की हो 2730 की हो। अपसाइड में 3050 का एक इमीडिएट लक्ष्य है जो मैं समझता हूँ हासिल हो सकता है आने वाले एक महीने में, यानी 8 से 9% की तेजी करंट लेवल से भी दिखाई दे सकती है। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आज आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी मेरे हिसाब से मैं धनिया में लॉन्ग रहना पसंद करूंगा, और साथ ही मुझे लगता है कि हल्दी में भी लॉन्ग रहा जा सकता है, तो एक मसाला कॉम्प्लेक्स में दोनों ही कमोडिटीज जो है मुझे बेहतर मुनाफा दिलाने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि अमित जी ने बताया कि उनको मसालों में धनिया और हल्दी यानी कि टर्मेरिक, ये दोनों में लॉन्ग में रहना पसंद है, और उन दोनों उनकी तरफ से इन दोनों कमोडिटीज़ में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट टाइम से ही पर।